लखीमपुर खीरी में किसानों के लिए आज की जाएगी अंतिम अरदास। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता होंगे मौजूद, प्रियंका गांधी भी रहेंगी शामिल। हरियाणा में आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी। खट्टर सरकार ने लिया फैसला, प्रशासन विभाग ने सोमवार को जारी किया आदेश। हरियाणा में खट्टर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लिया फैसला। कांग्रेस ने किया सरकार पर हमला, कहा सरकार चला रहे हैं या बीजेपी आरएसएस की पाठशाला। कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी के बड़े नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दौड़ी खुशी की लहर। राज्य मंत्री ने मिठाई खिलाकर जताई खुशी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में मारे गए 4 किसानों के लिए आज अंतिम अरदास की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के एक पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी नेता को अंतिम अरदास में मंच साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहां केवल संयुक्त किसान मोर्चा के नेता ही मौजूद रहेंगे। जिस स्थान पर हिंसा हुई थी उसके पास ही अंतिम अरदास का आयोजन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया गाँव में 3 अक्टूबर को किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान एसयूवी से कुचलकर मारे गए 4 किसानों के अंतिम अरदास के लिए कई राज्यों के किसान वहां पर पहुंचने लगे हैं। सामूहिक अंतिम प्रार्थना में उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के किसानों के शामिल होने की भी उम्मीद है। अंतिम प्रार्थना के लिए राकेश टिकैत सहित किसान नेताओं के भी यहाँ पहुंचने की उम्मीद है। वहीं रालौद के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता जयंत चौधरी का मंगलवार को लखीमपुर खीरी जाने का कार्यक्रम है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, जिस तरह से लखीमपुर खीरी हिंसा में जितने किसान 4 किसानों की जान गई थी, आज उनके लिए अंतिम अरदास की जा रही है। कई बड़ी पार्टी के विपक्षी नेता वहां पर पहुंचने वाले हैं, ऐसे में किसान भी अलग अलग राज्यों से वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है? रूबी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? तो रूबी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है, और ऐसे में आज प्रियंका गांधी भी लखीमपुर पहुंचेगी जहां पर किसानों की अंतिम अरदास की जाएगी। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए सभी 4 किसानों के लिए आज अंतिम अरदास की जा रही है, और ऐसे में अंतिम प्रार्थना में उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के किसानों के भी शामिल होने की उम्मीद है। वहीं अंतिम प्रार्थना के लिए राकेश टिकैत सहित किसान नेताओं के भी वहां पर पहुंचने की उम्मीद है। वहीं रालौद के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता जयंत चौधरी का मंगलवार को लखीमपुर जाने का कार्यक्रम भी है। तो आपको बता दें कि इस लखीमपुर खीरी की हिंसा को लेकर 4 किसानों की जान गई थी, उनके लिए आज ये अंतिम अरदास रखी जा रही है, और ऐसे में इस पूरी घटना के बाद से ही सियासत तो यूपी में हो ही रही है, लेकिन उन सब के बावजूद आज एक बार फिर प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचने वाली हैं। चलिए एक बार फिर से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी का रुख करेंगे। रूबी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी पारुल, आप सवाल दोहराइए। रूबी, जिस तरह से आज ये किसानों के लिए अंतिम अरदास रखी जा रही है, तमाम बड़े किसान भी वहां पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग राज्यों से किसान पहुंचेंगे, इसके साथ ही विपक्षी दल के नेता भी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? पारुल, देखिए राष्ट्रीय राकेश टिकैत है, वो पहुंच चुके थे और उन्होंने सारे परिवारों से मुलाकात करी थी, और उसके बाद पूरी व्यवस्था क्या है उसके पे खास तौर से उन्होंने इंतजाम में लगे हुए थे, और लगभग जितने भी किसान हैं वो सारे लोग पहुंचे हुए हैं। और अभी ये सूचना यही मिल रही है कि कांग्रेस महासचिव में प्रियंका गांधी वो थोड़ी देर के लिए अभी लखनऊ एयरपोर्ट पे रुकी थी, और उसके बाद यहाँ से सीधा निकलेंगी लखीमपुर के लिए, और परिवार के साथ शहीद जो हुए हैं उन लोगों से मुलाकात करी, यानी कि अंतिम अरदास है तो उसमें वो शामिल होने के लिए
निकल चुकी हैं और अब इनके साथ जो लोग होंगे कांग्रेस के जितने भी इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय लल्लू महासचिव जो है इनके प्रदेश सचिव हैं वो सारे लोग इकट्ठा हैं और कांग्रेस का एक पूरा जत्था कह सकते हैं यहाँ से लखनऊ से सीधा लखीमपुर के लिए निकल चुका है। बिल्कुल रूबी, और क्या कुछ ये जानकारी आपको मिल पा रही है कि वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि किसान पहुँचेंगे, पंजाब हरियाणा के किसान तो पहुँचेंगे ही, साथ ही यूपी के अलग अलग जिलों के किसान भी वहाँ पहुँचेंगे, यानी आज भी लखीमपुर खीरी में नेताओं किसानों का जमावड़ा देखा जाएगा? जी बिल्कुल पारुल, सही कहा, क्योंकि माहौल भले ही अरदास का हो लेकिन जो वहाँ का नजारा देखने को मिलेगा निश्चित तौर पर किसानों से बिल्कुल भरा हुआ मिलेगा और जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनकी पहुंचने की सूचना मिल रही है। सबसे पहले तो कांग्रेस के ही लोग पहुंचेंगे और उसके बाद अखिलेश यादव की सूचना थी पहुंचने की लेकिन अभी उस पर विराम लग चुका है कि वो नहीं पहुंच रहे, लेकिन जो किसानों का जो जमावड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और रात से ही कुछ किसान पहुंच चुके थे और अब सुबह से शुरुआत हो चुकी है, परिवार से मिलने की शुरुआत हो चुकी है और अरदास की जो फॉर्मेलिटी होती है उसकी शुरुआत हो चुकी है और जो पत्रकार थे उसकी फैमिली से भी लोगों की मुलाकात हो रही है और जो किसान की फैमिली है उन लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल रूबी, और प्रियंका गांधी वहां पर कितनी देर रुकेंगी? पारुल देखिए अभी जो सूचना मिल रही है लखनऊ से निकली है और साथ में उसके बाद वो सीतापुर पहुंचेंगे, सीतापुर होते हुए सीधा लखीमपुर पहुंचेंगे, तकरीबन ये मान के चलिए 12:30 के बीच में लखीमपुर पहुंच जाएंगी और वहां पे आधा एक घंटे का जो समय बताया गया है वो वहां पे परिवारों के साथ बिताएंगी और उसके बाद वहां से वो सीधा फिर लखनऊ के लिए रवाना होंगी। चलिए रूबी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज एक बार फिर से लखीमपुर में किसानों का और नेताओं का डेरा देखने को मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि आज इस पूरी हिंसा में मारे गए किसानों के लिए अंतिम अरदास की जाएगी और उसी के लिए वहां पर तमाम विपक्षी नेता पहुंचने वाले हैं। प्रियंका गांधी भी लखनऊ से वहाँ के लिए निकल चुकी हैं और ऐसे में कई राज्यों से किसानों के भी वहां पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा में अब सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। राज्य की खट्टर सरकार ने 1967 और 1980 में जारी दो आदेशों को वापस ले लिया है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक थी। आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को जारी आदेश में कहा कि हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के प्रभाव में आने के साथ सरकारी निर्देश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया जाता है क्योंकि वो अब प्रासंगिक नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस में शामिल होने की दी गई छूट के बाद कांग्रेस ने खट्टर सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। इस आदेश पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश को टैग करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि अब हरियाणा के कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में भाग लेने की छूट है, सरकार चला रहे हैं या फिर बीजेपी आरएसएस की पाठशाला। आपको बता दें कि 1980 में हरियाणा के मुख्य सचिव के कार्यालय के तत्कालीन सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी निर्देशों ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों से किसी भी तरह से जुड़ाव से रोक दिया था, जिसके बाद अब इसको फिर से कह दिया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल हो सकता है। उत्तराखंड की सियासत में बड़ा बदलाव आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर पैदा हो गई है। मंगलौर में पूर्व राज्य मंत्री चौधरी आदित्य राणा ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताते हुए कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस के 11 नेता बीजेपी में गए थे और वो 22 के बाद वापस आने वाले हैं और इससे बीजेपी पूरी तरह से पस्त होने वाली है और उत्तराखंड में कांग्रेस लौट कर आएगी। बता दें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि उत्तराखंड का युवा बेरोजगारी और पलायन से भी तंग आ चुका है, इसीलिए वो सरकार बदलने का निर्णय ले चुका है। तो ऐसे में ये तस्वीरें देख सकते हैं यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किस तरह से खुशी का माहौल है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाते हुए और बधाइयां देते हुए सभी कार्यकर्ता और नेता नजर आ रहे हैं।
बड़ा खुशी का दिन है। जो हमारे कद्दावर नेता थे और जो हमारे परिवार को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए थे भाजपा में, आज वो वहाँ से भाजपा की नीतियों से ग्रस्त होकर त्रस्त होकर आज वो उन्होंने अपने घर में वापसी की है। हमारे आला कमान के सामने जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। इससे कार्यकर्ताओं में बड़ा हर्ष खुशी का माहौल है, हमारा सबका मनोबल बढ़ा है। और यही नहीं, आने वाले टाइम में मैं आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में, आज के टाइम में जो है भाजपा के अंदर पार्टी के खलबली मची हुई है। कम से कम जितने लोग ये भागकर छोड़कर अपना घर गए थे, इनसे ही डबल वो वापसी की तैयारी में है कांग्रेस के अंदर। हमारे आला कमान में माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में या हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में वो कहीं ना कहीं अटैच में है। नारे जी हमारे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, मजबूत हमारे नेता थे वो, उनके आने से निश्चित ही पूरी कांग्रेस को और पूरे प्रदेश को लाभ होगा। और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का ही समय है। इस बीजेपी गवर्नमेंट में चाहे युवा हो कोई भी हो, नेता खुद परेशान हो गए इस बीजेपी को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अब ये हवा आने वाली है कांग्रेस की और आने वाली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, क्योंकि किसान, दलित, हर वर्ग, हर युवा सब परेशान है। अब आने वाला समय निश्चित ही कांग्रेस का है और यशपाल आर्य जी के आने से कांग्रेस को निश्चित ही और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिलेगी और आने वाले समय में और भी बहुत से विधायक और नेतागण कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। क्या बाकी भी आने की उम्मीद है? बागियों के अलावा भी बहुत सारे नेता, बहुत लोग बीजेपी छोड़ गए, जो पुराने बीजेपी के हैं वो भी आएंगे इंशाल्लाह। जी और उनके बेटे संजीव आर्य जी हमारी कांग्रेस पार्टी में, यानी अपने परिवार में उन्होंने वापसी की है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं तमाम कांग्रेस जनों को बधाई देता हूँ और माननीय यशपाल आर्य जी को, उनके बेटे संजीव आर्य जी को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद पेश करता हूँ दिल की गहराइयों से। दूसरी बात यह है, वो अपना परिवार छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में ना जाने किस कारणवश चले गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हुई थी, जिस कारण वो अपनी पार्टी में अपने घर की वापसी करने में सफल रहे। बहुत जल्द 4 सालों के अंदर उन्होंने घर वापसी की। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि उनके आने से पूरे उत्तराखंड में एक खुशी की लहर दौड़ गई है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का और पार्टी के नेताओं का मनोबल बढ़ा है। इसी कारण निश्चित तौर पर मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सब लोग समझ रहे हैं कि घर वापसी का मतलब यह है सरकार वापसी। क्योंकि पिछली बार 11 सदस्य कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे अपना घर छोड़ करके। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ रुड़की से हमारे संवाददाता शहजाद राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, बीजेपी को तो विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका लगा, लेकिन कांग्रेस के लिए एक खुशी की बात है, आखिर यशपाल आर्य की घर वापसी जो हो गई है। जी पाल, मैं आपको बता दूं, जैसे विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस सभी राजनीतिक पार्टियों में उतर पुतर शुरू हो चुकी है। वही कांग्रेस की बात करते, कांग्रेस में यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य शामिल हुए, उसी को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जगह जगह खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सबको एक दूसरे को खुशी का इजहार किया। और वही आप बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो ये पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अब मजबूती की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। जैसे 2017 में 11 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए थे, उनमें से ही दोनों यशपाल आर्य और संजय आर्य भी शामिल थे, वो घर वापसी कर चुके हैं। और सभी जो 11 कार्यकर्ता भाजपा में पहुंचे थे, कहीं ना कहीं वो 22 कार्यकर्ता उनसे ज्यादा लेकर कांग्रेस में शामिल होंगे और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। इसी को देखते हुए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी। बिल्कुल शहजाद, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जी जी, वही पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा कहना है कि कहीं ना कहीं आला कमान के टच में जो 11 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए थे, वो कहीं ना कहीं अब घर वापसी कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ता कांग्रेस में जल्द ही शामिल होंगे। जी चलिए शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में बीजेपी छोड़कर घर वापसी कर चुके हैं यशपाल आर्य, कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, और ऐसे में रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। तस्वीरें भी दिखाई हमने आपको, किस तरह से मिठाई खिलाकर एक दूसरे का स्वागत किया जा रहा है और जश्न मनाया जा रहा है।
देहरादून में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों को खाद्यान्न के किट के वितरित किए। इस अनोत्सव अभियान में निःशुल्क राशन वितरित कर गरीबों के लिए प्रदेश सरकार बड़ी राहत देने की कवायद कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनोत्सव योजना के शुभारंभ के मौके पर प्रतीक के रूप में 5 महिलाओं को राशन वितरित किया और इसके तहत पात्र व्यक्तियों को 10 किलो राशन भी मिलेगा। आपको बता दें कि इस मौके पर जिलों से लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़े रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है समाज के अंतिम छोरों में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। पूरे देश के अंदर गरीब कल्याण अन्न योजना जो गरीबों के लिए भरपेट भोजन की जो व्यवस्था की है, कोरोना महामारी में भी किसी को बिना भोजन के न रहना पड़े, हर किसी को भोजन मिले, उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की है। आज हम लोगों ने यहाँ पर गरीब कल्याण अन्न योजना उत्तराखंड के अंदर उस योजना का ये प्रारंभ किया है, जिसमें हम 14 लाख राशन कार्ड धारकों को 5 किलो राशन प्रत्येक यूनिट राशन देने की हमने इसमें व्यवस्था की है और इस योजना का लाभ हमारे 14 लाख कार्ड धारकों को सीधे सीधे होगा, यानी कि 14 लाख परिवारों तक जाएगा और सभी को जो है भोजन मिले। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, कोरोना काल में चाहे पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, पिछले वर्ष भी अप्रैल से लेकर नवंबर तक और इस बार भी नवंबर तक राशन देने की व्यवस्था हुई, उसी योजना का यहाँ। उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने 8 नए विधानसभा प्रभारी घोषित कर दिए हैं। उन्होंने 8 लोगों को एक लिस्ट जारी करते हुए इन सभी प्रभारियों के नाम की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा प्रभारी अपनी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी को मजबूत करते हुए पार्टी की नीतियों का घर घर जाकर प्रचार प्रसार भी करेंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब बीजेपी कांग्रेस से परेशान होकर अब बदलाव चाहती है। अब दोनों ही दलों की सरकारों ने प्रदेश को पिछले 21 सालों में लूटने का काम किया है। उन्होंने दल बदल को लेकर यशपाल आर्य पर भी निशाना साधा और कहा कि कल तक जो आर्य बीजेपी में मंत्री रहते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस भी यशपाल आर्य पर कई गंभीर आरोप लगा चुकी है। लेकिन आज ना तो यशपाल आर्य को कांग्रेस में बुराई नजर आ रही और ना ही कांग्रेस को आर्य में कोई बुराई नजर आ रही है। आज कुछ और नाम हम घोषित कर रहे हैं, जिसमें कि विधानसभा धनौल्टी से अमरेंद्र बिष्ट, राजपुर रोड से श्रीमती डिंपल सिंह जो कि एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है सीट, ऋषिकेश से डॉक्टर राजे नेगी, भगवानपुर जो कि एससी रिजर्व है से श्री प्रेम सिंह, मंगलौर से श्री नवनीत राठी, कपकोट विधानसभा से जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री भूपेश उपाध्याय, विधानसभा चंपावत से श्री मदन मेहर और नानक मत्था जो एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व है उस सीट से श्रीमती सुनीता राणा। तो आज ये 8 विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति और हम कर रहे हैं जो कि अपने विधानसभा का प्रभार देखेंगे। जो इनके रिस्पेक्टिव जो पद हैं वो तो बने ही रहेंगे लेकिन साथ ही साथ ये विधानसभा का भी काम देखेंगे। रुद्रप्रयाग में मानदेय सहित कई मांगों को लेकर पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति ने रुद्रप्रयाग में अन्न उत्सव कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर रुद्रप्रयाग गोदाम में आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे स्थानीय विधायक भारत सिंह चौधरी को भी गल्ला विक्रेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं विधायक मौके की नजाकत को देखते हुए कार्यक्रम के बीच में ही उठकर चले गए। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने राशन डीलरों की मांगों को जायज ठहराते हुए अपना समर्थन दिया। साथ ही पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोमवार को पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया और इस मौके पर आयोजित सभा में राशन डीलरों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो राशन नहीं उठाएंगे। सर, हम मुख्यमंत्री आवास जी के गए और वहाँ हमने अपना मांग पत्र रखा, जो हमारा ज्ञापन था ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद जो हमारी चंद मांगी थी, मानदेय 3,000 रुपये वाली,
और अन्य जो भी हमारी जो मांगे थी तो उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई सुनवाई नहीं की। हमने उनसे अपने अनिश्चितकालीन धरने की जो हमने सोचना थी उस पर भी वो हमसे हंस पड़े और इसके बाद हमारा जो शिष्टमंडल गया वो जैसे गया वैसे वापस लौटा। हमारी जो आस थी कि हम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई ना कोई आश्वासन मिलेगा, 10 दिन 15 दिन का आश्वासन मिलेगा, इस प्रकार का हमें कोई आश्वासन नहीं। उन्हें चलती चाल में उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा और हमें कहा कि इस आपकी मांग पत्र पर जो है जल्द कार्रवाई की जाएगी, बस यही बात उन्होंने बताया। देखिए उत्तराखंड क्रांति दल ने पूर्व में भी अपने दलित विक्रेताओं को समर्थन दिया था और आज भी हम उनके समर्थन में यहाँ पे खड़े हैं। हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और राशन डीलरों की जो मुख्य मांग है उसमें मानदेय की मांग भी शामिल है। इसके अलावा इनका इंश्योरेंस है और इलेक्ट्रॉनिक तराजू सहित अन्य इनकी मांगें इसमें शामिल हैं। तो हम सरकार से चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द राशन डीलर भाइयों की मांगें पूरी की जाए। नहीं तो एक बहुत बड़ा उपरांदोलन यहाँ पर राशन डीलर भाई करने जा रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि जगह जगह सरकार ने बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर बड़े बड़े थैले बनाकर इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि हम गरीबों को अन्न बांट रहे हैं। सरकार प्रचार प्रसार पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बजाय राशन डीलरों का भाड़ा देती, उनका मानदेय देती है, जो उनकी मांगे हैं उसको पूरा करती। सबसे पहले हमारा मानदेय को लेकर मामला रखा हुआ है कि आज ये PDS की जो सस्ता बनी थी 1952 में बनी थी, उस समय 7 रुपये एक क्विंटल प्रॉफिट दिया गया था। उस समय एक अधिकारी कर्मचारी की तनख्वाह 2000 रुपये होती थी, आज वो तनख्वाह 2 लाख तक पहुंच गई है, लेकिन हमारा जो 7 रुपये कमीशन है वो 7 रुपये पर टिका हुआ है। हमारी सरकार से एक मांग रखी थी कि हमारे मानदेय शुरू कर दो, सम्मानजनक मानदेय दे दो और हमारा जो ये हमने पिछली बार आपदा में जो राशन बांटी है, जो खाद्यान्न बांटा है, उसका पैसा हमारा वापस किया जाए और अतिशीघ्र वापस दिया जाए, नहीं तो हम खाद्यान्न नहीं उठाएंगे और इनके अंदर सबका विरोध करेंगे। अभी अंदर सबका 2-3 चरण चालू होगा, उसका और विरोध करेंगे, पूरी जोर से विरोध होगा। आज हम विक्रेताओं ने ये सरकार को दिखा दिया है कि हमने अधिकारियों से रोड पर राशन बंटवा दी है। धन्यवाद चाहूँगा अपने विक्रेताओं का भी, इन्होंने एकजुटता का परिचय दिया। हरिद्वार में वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पूर्ण विधि विधान से हर की पौड़ी पर अस्थि कलश को गंगा में विसर्जित किया गया। भूतवाला स्थित परमार्थ निकेतन घाट पर ब्रह्मलीन स्वामी पुरुषोत्तम प्रियदास महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और ऐसे में श्रद्धांजलि योग पीठ ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी देव ऋषि महाराज ने कहा कि संतों का जीवन निर्मल जल के समान होता है। ब्रह्मलीन स्वामी पुरुषोत्तम प्रियदास महाराज ने गरीब असहाय लोगों की मदद कर समाज को गौ और गंगा संरक्षण की प्रेरणा दी और उनके बताए मार्ग पर चलकर स्वामी जितेंद्रदीय प्रियदास महाराज आज उनके अधूरे कार्य को पूरा कर रहे हैं और उनकी तरफ से प्रारंभ किए गए सेवा प्रकल्पों में लगातार बढ़ोतरी कर स्वामी नारायण संप्रदाय का मान भी बढ़ा रहे हैं। नैनीताल में कलश यात्रा के साथ ही 65वां दुर्गा पूजन महोत्सव भी शुरू हो गया है, जिसकी जानकारी कमेटी के भास्कर महतोलिया ने दी और इस दौरान मां दुर्गा मैया का दरबार श्रद्धालुओं के लिए लग चुका है, जो कि 15 अक्टूबर तक मां नैना देवी मंदिर में जारी रहेगा। आपको बता दें कि तपन चटर्जी की तरफ से अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के बाद कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें COVID-19 को देखते हुए दुर्गा रूपी 9 कलश सप्त स्थानों का जल एकत्रित कर मंदिर परिसर में मां नैना देवी की परिक्रमा की गई। ऐसे में कलश यात्रा के बाद महिलाओं की तरफ से मां के भजन भी गाए गए और उसके बाद बेल वृक्ष की पूजा, पश्चिम पूजा, स्थापना और अधिवास तपन चटर्जी और उनके सहयोगी देवाशीष चक्रवर्ती ने अपनी तरफ से कमेटी के सदस्यों को संकल्प करते हुए पूजा याचना की और मां दुर्गा का दरबार भक्तों के लिए खोल दिया गया। इस दौरान महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोविड 2 वर्ष होने के कारण हमारा कई आयोजन हमने पोस्टपोन करे हैं और पूजा जो है आज कोविड को देखते हुए प्रशासन और हमने उस नियमानुसार अनुपालन कर रहे हैं। माँ षष्ठी पूजा कलश यात्रा से प्रारंभ हुआ है, शाम को स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होंगे, इस तरह कल सप्तमी पूजा, पत्रिका लयन, सुंदरकांड एवं शाम को संध्यारती का आयोजन किया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।